अटल उत्कृष्ट जीआईसी बाराकोट की महंगी परीक्षा फीस व शिक्षकों का टोटा छात्रों व अभिभावकों के लिए बना जी का जंजाल। हालांकि सरकार ने चंपावत जिले के बाराकोट जीआईसी को अटल उत्कृष्ट जीआईसी में बदल तो दिया, तत्कालीन प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़े धूमधाम से इसका शुभारंभ कर अभिभावकों और छात्रों को इसके तमाम फायदे गिनाए थे। लेकिन अब इसके ठीक उलट अटल उत्कृष्ट जीआईसी बाराकोट में पढ़ने वाले छात्र व उनके अभिभावक काफी परेशान हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने कहा, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लेने व अच्छी सुविधा मिलने के चक्कर में वे दूसरे विद्यालय से नाम कटाकर उन्होंने यहां एडमिशन लिया। छात्रों ने कहा, यहाँ जो सुविधा अटल उत्कृष्ट विद्यालय को मिलनी थी वह उन्हें नहीं मिल पा रही है। रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान व अन्य विषयों के यहाँ शिक्षक तक नहीं है, ना ही विद्यालय से उन्हें पुस्तकें मिल पा रही हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई सुचारू नहीं हो पा रही है, जिस वजह से वे काफी मानसिक तनाव में हैं। वहीं अभिभावकों ने कहा, इंग्लिश मीडियम व अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर सरकार ने परीक्षा फीस को 4 गुना कर दिया है, जिसमें एक बच्चे की परीक्षा फीस 1800 से लेकर 2300 तक कर दी गई है, जिसे भर पाना अब मुश्किल हो गया है। अभिभावकों ने कहा, जिनके यहाँ दो दो बच्चे पढ़ते हैं अब उनके लिए परीक्षा फीस जुटाना पहाड़ चढ़ने के समान हो गया है, तथा विद्यालय में शिक्षकों व सुविधाओं की भी काफी कमी है। सरकार ने परीक्षा फीस तो 4 गुना कर दी है, लेकिन सुविधा देने के नाम पर हालत जैसे के तैसे बनी हुई है। वहीं छात्रों व अभिभावकों ने सरकार व शिक्षा विभाग से विद्यालय की परीक्षा फीस कम करने व शिक्षकों की कमी को पूरा करने व अटल उत्कृष्ट विद्यालय को मिलने वाली सभी सुविधाएं देने की मांग की है। सर नमस्कार, मेरा नाम भीम कोहली है, मेरी लड़की करिश्मा कोहली यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ती है। और फीस सर इस बार ज़्यादा ही आ गई, हम गरीब आदमी हैं और वैसे भी हम जो है ऑथराइज हैं, जो है पाँव चल नहीं पा रहे हैं, और 2000 रुपये करीब फीस पड़ी है, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। लगा लीजिए सर, जो है गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही दिक्कत आ गई। अब इस बार जो है कुछ मतलब यह है कि कुछ देख लीजिए आगे के लिए। हमें रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप हमारी फीस कम कर दिया जाए, और वगैरह जो भी है कि आप जो है गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फीस होगी है, और जो है विद्यालय में पद भी भरे जा रहे हैं, और उसके बाद जो है सर हमें बहुत ही दिक्कत आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम मालती देवी है, मेरी यहाँ 2 लड़कियाँ पढ़ती हैं, ज्योति और चांदनी। चांदनी 10th में, ज्योति 12th में पढ़ती है। सर इस बार फीस कुछ ज़्यादा ही लगी, 1800 तो चांदनी की दीदी और 2300 ज्योति की। सर सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बार फीस कुछ कम ही करें, थोड़ी गरीब आदमी है हम, मैं तो एक विधवा हूँ और 5 बच्चे पढ़ रहे अभी मेरे। क्या कहते सर, जो जितनी आप टीचरों की कमी है तो टीचर भेज दीजिए सर यहाँ जियासी बाराकोट जियासी में। मेरा नाम हरीश अधिकारी है, मैं बाराकोट का निवासी हूँ। जब से यहाँ अटल उत्कृष्ट शिक्षा का बना ये स्कूल, हमने सोचा कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, हम प्राइवेट स्कूल छोड़ के यहाँ पे आए, पर यहाँ पर केमिस्ट्री का टीचर और पॉलिटिकल साइंस के टीचर नहीं है। हमें जिस प्रकार की उम्मीद थी कि यहाँ वैसी शिक्षा मिलेगी, यहाँ वैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष अधिकारी है, मैं कक्षा 11B में पढ़ता हूँ, और यहाँ पर हमारे आधा फिजिकल एजुकेशन का आधा सेशन हो गया है, अभी तक का हमें बुक नहीं मिल पाई है, तो हमें बुक की व्यवस्था करने की कृपा। चंपावत से लक्ष्मण बीस्ट की रिपोर्ट।